अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जोन में आज भी हम नई मालूमात के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर हैं। दोस्तों इस वक्त कपास की जो फसल है वो बिल्कुल जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल है। दूसरी चुनाई या तो जारी है या शुरू होने के करीब है या चुनाई कर ली गई है। तो लिहाजा दोस्तों आज हम बात करेंगे, क्योंकि फील्ड के दौरान ये जो क्लिप आपके सामने चल रहा है ये मैंने रिकॉर्ड किया, ख़ुद देखा है कि किस तरीके से हमारे मुफीद कीड़े यानी चूंटियां जो है वो गुलाबी सुंडी को काबू करने में मसरूफ़ हैं। दोस्तों ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक करिश्मा है कि कुदरत अपने कुदरती हथियार से ही कंट्रोल कर रही है। दोस्तों चूंटियों की इस वक्त दुनिया में 10,000 के करीब इकसाम है और एक जरीदे के मुताबिक तकरीबन 12,000 के करीब इकसाम है। कुछ ज़्यादा ख़तरनाक हैं और कुछ बिल्कुल कम ख़तरनाक हैं। इन चुनटियों की खुराक या तो एज ए डिकम्पोजर्स हैं या जो हमला आवर होकर पतंगे, टिड्डे, सुंडियां या छोटे मोटे बग्स को खाकर गुजारा करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो लीफ कटर आंट्स कहलाती हैं, पत्तों को काटकर सब्ज़ पत्तों को बिल में ले जाती हैं और वहाँ जाकर उसके ऊपर फंगस का कल्चर पैदा होता है जिसके ऊपर अपने लार्वी को फीड करती हैं। कुछ ऐसी चुनटियाँ हैं दोस्तों जो दरख्तों के ऊपर रहती हैं, कुछ ऐसी चुनटियाँ हैं जो ज़मीन दोज बिलों के अंदर रहती हैं। लिहाजा चुनटियों की बहुत सी इकसाम है, लेकिन आज की इस वीडियो में बताने का मकसूद ये है कि गुलाबी को सिर्फ कीमियाई हथियारों से कंट्रोल करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आप बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स या लेस विंग के कार्ड्स के मुतल्लिक मैंने तफसील से वीडियो शेयर की है। तो दोस्तों कोशिश की जाए कि आप लोग अपने खेतों में आईपीएम टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। आईपीएम टेक्निक्स का मतलब कि मरबूत तरीका इंसदाद, जिसके ज़रिए आप किसी भी कीड़े को सारे अवामल को शामिल करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जिनसी फंदे लगाकर, ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स लगाकर या लेस विंग के कार्ड्स लगाकर, इसके साथ साथ बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स के इस्तेमाल के साथ, फिर आप आखिर में ज़रई अद्वियात या जहर पेशी के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के मुतल्लिक मैंने बताया। कोशिश करें दोस्तों गुलाबी सुंडी को टींडे के अंदर दाखिल ना होने दें, क्योंकि एक दफ़ा गुलाबी सुंडी टींडे के अंदर चली गई फिर चाहे जितनी भी ज़बरदस्त किस्म की जहर हो उसका असर या उसका कंट्रोल तकरीबन बेजर रहता है। गुलाबी सुंडी एक छोटे से सुराख के ज़रिए टींडे के अंदर चली जाती है और फुट्टी से होती हुई बनोले को फीड करती है। लिहाजा जब बनोले को फीड कर लेती है तो उससे हमारे टिंडे भी कम खिलते हैं, और अगर टिंडा ज़ोर लगाकर खिल भी जाए तो उसके अंदर वो वज़न रही रहता है, और जब फुट्टी का रेशा ख़राब कर दिया जाता है तो उससे क्वालिटी, लेंट की क्वालिटी और फाइबर स्ट्रेंथ और शाइनिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों गुलाबी सुंडी, जैसा कि मैंने बताया था कि फूलों के ऊपर जब हमलावर होती है तो रोजेड फ्लावर बना देती है, फूल ज़ोर लगाकर खुलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि एक तरफ की पत्तियां लाभ से जोड़ दी जाती हैं इसलिए उनका खुलना नामुमकिन हो जाता है और वो मदानी नमा नज़र आता है। तो लिहाजा दोस्तों ये तो आज की ऑब्जर्वेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। दुआ में याद रखें और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने इस चैनल को। इंशाल्लाह फिर नई मालूमात के साथ हाजिर।